नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आपके साथ संजीव। जिस तरीके से लगातार अगर सत्ता में जो सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार, यानी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार है बिहार में, और लगातार जिस तरीके से अनंत सिंह के ऊपर लिपि सिंह कार्रवाई करते हुए, और जिस तरीके से अगर पिछली बात को हम फिर से दोहराएं तो उनको जेल में बंद कर दिया गया। अभी लगातार जेल में बंद है, और उसके बाद जो उनके खास समर्थक, बहुत बड़े समर्थक कहे जाते हैं बंटू सिंह जी, जिनको जान से मारने की लगातार धमकी भी मिलती रही, और उसके बाद एसपी से गुहार लगाई कि मुझे बॉडीगार्ड सुरक्षाकर्मी चाहिए, सुरक्षाकर्मी भी मुहैया कराया गया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर इनका जो इनको सुरक्षाकर्मी प्रोवाइड कराया गया था, उन सुरक्षाकर्मी को प्रशासन ने वापस ले लिया है। आखिरकार क्यों? आप तो लगातार बोले कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, मुझे धमकी लगातार मिल रही है जिसके कारण मुझे सुरक्षाकर्मी चाहिए, सुरक्षाकर्मी भी आपको दिया गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद आपसे प्रशासन ने सुरक्षाकर्मी वापस ले लिया, आखिर कारण क्या है? एको कारण है, जहिना से नया एसएसपी आए हैं यही हमारा बॉडीगार्ड ले लिए। हम तो इस पर कहवे किए हैं कि आप लोग को हम बयान देने, हम दो दिन देख रहे हैं अभी, क्योंकि हमको बिहार के जो हैं डीजीपी गुप्तेश्वरे बाबा पिछला बार हमको बॉडीगार्ड दिए थे, और एसएसपी गरिमा मैम जो थी वो दी थी हमको, मगर जहिना से एसएसपी साहब आए उपेंद्र कुमार शर्मा जी, उस समय से जो है सो कि मेरा बॉडीगार्ड ले लिया गया। हम मिलने भी गए, दो बार गए उनसे मिलने, एक बार तो कहे कि दरख्वास्त हमको दे दीजिए, हम दरख्वास्त दे दिए। उसके बाद फिर जब दोबारा हम मिलने के लिए गए हैं तो बहुत बातें हुई, मैंने हमसे कोई रफ नहीं बात, ऐसी ऐसी बातें हुई कि आपको भी हम जब बताएंगे, अभी तो नहीं बताएंगे, हम दो दिन बाद बताएंगे, चाहे हम हो सके कल ही बताएं, हम देख रहे हैं। तो जैसा ऐसा वो बात बोल रहे थे, एक आईपीएस को ऐसी बात की शोभा नहीं देती है जिसकी की पूरी जिम्मेवारी है, वो पटना जिला के कप्तान हैं, कप्तान को ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो नेता वाला वो भाषा बोल रहे थे। तो उन्होंने हमको बोला कि हम आपको बॉडीगार्ड नहीं दे सकते, हम आपको बॉडीगार्ड नहीं दे। बॉडीगार्ड वापस लेने से पहले क्या आपको किसी प्रकार का नोटिस भेजा गया था कि आपका जो सुरक्षाकर्मी है, आपको सुरक्षाकर्मी जो प्रोवाइड कराया गया उनको वापस लिया जा रहा है, क्या इस प्रकार से कोई नोटिस मिला था आपको? कोई नोटिस नहीं था। जब एसएसपी गरिमा मलिक जी यहाँ जा रही थी यहाँ से, तो हमको बॉडीगार्ड प्रोवाइड करके गए, 5 दिन मेरा बॉडीगार्ड रहा। फिर वो बॉडीगार्ड जो है सो कि बोला हमको कि भैया जो आपका पुराना वाला जो बॉडीगार्ड है वो आ रहा है, आप हमको साइन करके दे दीजिए, पिस्टल उस्टल नहीं दीजिएगा तब तक कैसे वो बॉडीगार्ड आएगा। हमने उसको डिपार्चर करके भेज दिया। भेजने के बाद जब हम पूछने, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जब बॉडीगार्ड नहीं आया तो फिर हम डीएसपी साहब को फ़ोन लगाए, मेजर साहब को, तो मेजर साहब बोलते हैं हमको कि अब आपको बॉडीगार्ड हम नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत रिक्स लेके हम बॉडीगार्ड भेजे थे, अब जो है सो कि जब तक एसपी साहब फ़ोन नहीं करेंगे तब तक जो है सो कि हम आपको बॉडीगार्ड नहीं देंगे, एसपी साहब से आप फ़ोन करवा दीजिए, हम बॉडीगार्ड जो है सो कि आपको फ़ोन अच्छी दे देंगे आपको, ठीक है ना, एसपी साहब जैसे ही फ़ोन करेंगे हम आपको बॉडीगार्ड दे देंगे। अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, क्योंकि आपको भी अपनी जान की दिक्कत है, जान की टेंशन है, तो इसको लेकर के आप अगला कदम क्या उठाने वाले, प्रशासन से बैठ कर और तलाब करेंगे इसको लेकर के, या फिर क्या होगा आपकी तरफ से? देखिए, मेरा अगला कदम है, हम पहले डीजीपी साहब का इंतजार कर रहे हैं, डीजीपी साहब, क्योंकि हम पहले भी चिट्ठी लिख के दे चुके हैं सबको कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसका जिम्मेवार पुलिस मुख्यालय है। मीडिया में भी चला था, कोर्ट में आया था, अभी प्रयास किया गया था, जो पकड़ाया भी था, मगर सरकार के विरोध में हम लोग चल रहे हैं तो उसको नीपा पोती करके चोरी के इल्जाम में जेल भेजा था, जो कि पकड़ाया भी था, सारा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाए थे कि ललन सिंह के साथ है, ये सब गुंडा लोग का आदमी है, ये लोग पहले भी लखीसराय में हत्या में शामिल उमिल भी था, तो हम सारा चीज़ बोल दिया गया था, सारा चीज़ लिखित हम दे दिए हैं। उसके बाद अगर ये हमको बॉडीगार्ड मुहैया नहीं कराएंगे तो हम जो है सो कि आपको हम बता दे रहे हैं, हम हाई कोर्ट में रिट फाइल। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ बंटू सिंह जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाला समय में अगर मुझे कुछ भी होती है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षाकर्मी मुहैया कराया गया था वो फिर से वापस ले लिया गया है, और ये लगातार प्रशासन के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि फिर से मुझे वो सुरक्षाकर्मी वापस कर दिया जाए, और मुझे एक दो सुरक्षाकर्मी की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे लगातार जान से मारने की धमकी भी मिल रही है और मुझे भी अपनी जान की टेंशन है। यहाँ सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि आखिरकार कल होकर के बंटू सिंह को अगर कुछ होता है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो फिलहाल बस नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।